हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे सारे उत्तर प्रदेश के यूपी टेट और यूपी सुपर टेट का इंतज़ार कर रहे हैं आप सभी साथी। लगातार आप लोग के कमेंट ईमेल के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से आ रहे थे कि आप उत्तर प्रदेश पे कुछ बोल नहीं रहे हैं, उत्तर प्रदेश के शिक्षकों की समस्या राइज नहीं कर रहे हैं। ये गलत बात है। समय समय पर मैंने राइज भी किया है, लेकिन वीडियो जहाँ तक बनाना है, जब तक कोई ऑथेंटिक चीज़ ना हो, जब तक कोई बड़ा बदलाव ना आया हो, जब तक कोई बात पृष्ठभूमि पर ना दिखी हो, तब तक आ करके वीडियो बनाना इस जस्ट आपका एक समय मतलब वेस्ट करना है और कुछ नहीं। अब आज आए हैं तो सुनिए, आप लोगों के लिए बताते हैं मुख्यमंत्री जी की शिक्षक बहाली, यूपी टेट और यूपी सुपर टेट और शिक्षा सेवा आयोग के गठन पर सीधा सीधा दो टूक जवाब आया है। तो अब यहां से इस चीज को लेकर के मैं आपको बता सकता हूं कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। साथ ही इस पर नाराजगी भी सख्त जताई गई है कि शिक्षा सेवा आयोग का गठन करने में इतना विलंब क्यों हो रहा है। लगातार डेडलाइंस जो दे रही है सरकार, उससे कहीं ना कहीं प्रभावित लगातार वो फेल हो रही हैं। और इस पर एक बड़ी बैठक होने वाली है शिक्षा विभाग की, इंतजार कीजिए। बड़ी भर्ती भी उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के मिलने वाली है, उसका भी इंतजार कीजिए। लेकिन तमाम पहलू पर बात करूं इससे पहले एक और चीज, उच्च न्यायालय में दो केसेस भी हैं इसके ऊपर आपके शिक्षक भर्ती पे। एक तो राइट टू एजुकेशन का मामला है सीधा सीधा, जिसमें कि आपके पास जितने पद हैं उससे उसका 10% से ज्यादा खाली नहीं होना चाहिए, यहां पे 50% खाली हुआ पड़ा है। यह मामला भी उच्च न्यायालय में पड़ा हुआ है। साथ ही आपका जो टेट नहीं हुआ है, आपका सुपर टेट नहीं हो रहा है, शिक्षकों की भर्ती नहीं हो रही है, इसको लेकर के भी एक केस लगा हुआ है। लगा दो केसेस उच्च न्यायालय में भी चल रहे हैं, इनको लेकर के सरकार को तलब भी किया जा चुका है। यहां पर शिक्षा मंत्री जी ने एक बार हवा में कह तो दिया था कि हमारे यहां पदों का अनुपात बिल्कुल बराबर है, लेकिन यह गलत है। अब तमाम पहलू पर मैं आप लोगों से बात करूंगा। चैनल पे नए या पुराने साथी हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मुख्यमंत्री जी की ये छोटी सी वाइब जो है वो सुन लीजिए, वो क्या कह रहे हैं। आयोग बनाने की प्रक्रिया वर्तमान में प्रचलित है, बहुत शीघ्र हम इसका गठन करने जा रहे हैं। चलिए, कॉपीराइट का इशू है इसलिए मैं बहुत लंबा ये नहीं दिखा पाऊंगा। पूरी बात यह है कि शिक्षकों के जो शिक्षा का स्तर है उत्तर प्रदेश में और शिक्षकों की जो नियुक्ति है वो भी पेंडिंग है। इन दोनों चीज़ों को एड्रेस करते हुए मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि जल्द ही हम इसका गठन करने वाले हैं और साथ ही शिक्षकों को भी तैयार रहना चाहिए, उनकी भर्ती हम जल्द देंगे। यहाँ पर मामला ये है कि जब तक इस बार ये नियम बना दिया गया है कि अब जो शिक्षकों की सारी भर्ती है वो आयोग के द्वारा कराई जाएगी और आयोग का गठन के लिए तमाम क्राइटेरिया बनाया गया, योग्यता कौन कौन योग्य होगा, किसकी किसकी कौन चेयरमैन होगा, कौन सदस्य होगा, उसकी क्या योग्यता होगी, इस योग्यता को डिफाइन करते हुए तमाम लोगों की जो कमेटी बनानी है, ये बनाने में कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्रालय अभी तक असमर्थ रहा है, जिसकी वजह से ये पेंडेंसी चल रही है। लेकिन अब चूंकि जो है आप लोगों को ज्ञात नहीं है तो मैं बताऊं कि अब चूंकि जो है केंद्र सरकार ने भी जो है सारे राज्यों से उनके यहाँ की शिक्षक भर्तियों को पूरा करने का आग्रह किया है, आदेश दिया है कि आप अपने अपने राज्य के शिक्षकों की भर्ती पूरी कीजिए, ज़्यादा पद इसलिए यही परिणाम है। इसी वजह से जो है तमाम राज्य अपने अपने यहाँ जो है शिक्षकों की भर्तियाँ लेकर के आ रहे हैं और इसमें उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ है। लेकिन उत्तर प्रदेश हमेशा से धमाका करने वाला है, आप लोग इसका इंतज़ार कीजिए। मैं आज आपको बता रहा हूँ, मार्क माई वर्ड्स, कि आप लोगों को 4 से 5 महीने में इतना तेजी से आपको दिखेगा। गणना शुरू कर दी गई है, वो तो उच्च न्यायालय के जैसा ही आया था कि आप हमें गणना करके दीजिए, तो गणना शुरू की गई है रिक्त पदों की। जैसे ही रिक्तियों की गणना सामने आ जाएगी, मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि फ्रेश डेटा आने के बाद या तो ये लोग नियमावली या तो ये लोग भर्ती करेंगे या फिर कोर्ट से फटकार लगेगी इनको। ये मामला है और मुख्यमंत्री जी के हिसाब से ये कहा जा रहा है कि अब जो है बहुत ज़्यादा विलंब नहीं लगने वाली है। जल्दी ही का मतलब ये होता है कि भाई डेट, अब आप लोग कहेंगे कि जल्दी जल्दी जल्दी, भाई देखो हम तो वही कह सकते हैं जो सरकार कह रही है या फिर कोर्ट कह रहा है, हम खुद तो करवा नहीं सकते। जानकारी आपको दे देते हैं कि सरकार के संज्ञान में ये बात है कि शिक्षा चयन आयोग का गठन में विलंब हो रहा है, सरकार के मुख्यमंत्री के संज्ञान में यह बात है, तभी यह बात उठ करके सामने आई है।
समझ रहे हैं। तो अब जो है कहीं ना कहीं इसका जो रोड मैप है बनने जा रहा है। हाँ, यूपी टेट की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं तो लग जाइए, क्योंकि 2 महीने में आपको यूपी टेट सड़क पर दिख जाएगा, उसका रोड मैप आपको दिख जाएगा। और अगस्त तक आप लोग मान के चलिए, अगस्त के आखिरी सप्ताह तक आपके शिक्षा चयन आयोग का गठन भी संपन्न हो जाएगा। भर्तियां जानबूझकर पोलिटिसाइज करने के लिए खींची जा रही है। आपको शिक्षक भर्ती तो देना ही है, लेकिन थोड़ा लंबा जाएगा तो उसको पोलिटिकल माइलेज इलेक्शन में भी मिलेगा, इसीलिए इसे सरकाया जा रहा है। लेकिन आपको भी एक दिन में टीचर आप बन नहीं पाएंगे, उत्तर प्रदेश का कंपटीशन हमेशा टफ होता है। तो आप लोग जो है उसकी तैयारी में भी लगिए, फिलहाल जो आपके पास जो मौके हैं उनको भुनाइए। अन्य राज्यों में जहां भर्ती के लिए आप एलिजिबल हैं वहां जाइए और अपने उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती की तैयारी करते रहिए। मिलता हूं, यही अपडेट है। तो जल्दी ही आप लोग को देखने को, जैसे कि मुख्यमंत्री जी ने कहा जल्दी ही, तो जल्दी, हालांकि हम अपनी तरफ से अनवल उच्च न्यायालय में भी एक बार स्पेशल अपील फाइल करने की कोशिश करेंगे कि भैया जितनी जल्दी हो सके मेंशनिंग के जरिए एक बार फिर से हमारा केस टेकअप हो और उसको लेकर के एक बार सुनवाई होकर के इंस्ट्रक्शन आए। तो ये है सारी जानकारी, मैं भूला नहीं हूँ, बस वक्त की कमी रहती है। और जब तक तथ्य आपके लिए ना हो तब तक आने का कोई मतलब नहीं होता।